हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये ओब्वियसली इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। राइटर्स आएंगे, फोटोग्राफर्स आएंगे, हर एक टैलेंट अपने अपने फील्ड्स में आएगा, ओब्वियसली उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ है कि वे इन और वे आउट, उसमें हम इनके लिए रखा, हमने एक ऑनलाइन फंड रेजिंग भी स्टार्ट की, जिससे हम उस फंड रेजिंग से इन यूथ बेस्ड इनिशिएटिव को फंड करेंगे। बिकॉज इट्स नॉट माइन इनिशिएटिव ओनली, इट्स ऑफ द यूथ, इट्स बाय द यूथ, इट्स फॉर द यूथ। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट जो इनका है ऑनलाइन। और आजकल सबको ही पता है कि लाइक हम सारे सोशल मीडिया पे ही होते हैं ज़्यादा एक्टिव, तो ये सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा आने वाला है और सबके लिए बहुत ही अच्छा है। उनको कहीं से देखना नहीं है, उसके लिए बाहर नहीं जाना है, सारा सोशल मीडिया पर, और हम बहुत यूज़ करते हैं इसके लिए, बहुत अच्छा है सबके लिए, हमारे लिए अच्छा है, यूथ के लिए अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें उनको भी सीखने को मिलेगी, हमें सीखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने सबसे पहले ना कश्मीर को क्लियर नहीं करना है टाइम पे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, सोशल मीडिया पे, जो न्यूज़ पेपर्स हैं खेल है साउंड व्यूज़ का ही खेल। आपने देखा ना अभी सारा ये खेल है साउंड व्यूज़ का ही, इसमें भी आज ही है, इसमें भी रेडियो का जो अपना इन्फ्लुएंस है वो कम नहीं होगा। रेडियो का इन्फ्लुएंस अपना ठीक है, लेकिन चेंज चाहिए। स्पॉटिफाई है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हम इनको यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने जो प्रोग्राम्स। ये एक्चुअली 2 साल पहले मैं टेट टॉक्स में गया था, जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शो है, मैं वहाँ पे गया था। बट देन आई थॉट कि जब मैं कश्मीर वापस आया, मुझे लगा कि यार हर कोई तो यहाँ पे टैलेंट ऑब्वियसली कश्मीर में बहुत अच्छा है, बट हर कोई टेट टॉक्स में तो जा नहीं सकता है, सो अब करते क्या है। तो मैंने कोशिश की कि मैं कश्मीर में कश्मीर को अपना टेट टॉक्स दूँ, और एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका हमने नाम रखा मस्क टॉक्स। मस्क टॉक्स इज सेम मॉड्यूल जैसे कि टेट टॉक्स है। आपको लगता है इसमें ये है कि मैं कुछ सेटिस्फाइड हूं, तो मैं बॉन्डेड हूँ, जहाँ से मेरा मुंबई का बॉस बोलेगा सिंपली। और यहाँ पे है